से कुछ पूछना था। दो दिन बहुत ही अस्वस्थ हो, कुछ बातें करेंगे तो मन को शांति मिलेगी। अंदर चले। आपकी बेटी की मंगनी का कार्य मंगलमय हुआ? जी, बड़ी अच्छी तरह से। क्यों? नहीं, ग्रह दशा बहुत खराब थी, घर में कोई विघ्न आए, ऐसे प्रबल ग्रह थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ तो कृपा है। मैंने वो सामग्री की फेरिस्त भिजवाई थी। हाँ, क्या हुआ? जी, वो तैयार है। लेकिन राधा को? राधा की कुंडली में भी दोष है, लेकिन मेरी चिंता का विषय वो नहीं। उसका मन विचलित है, शनि शनि का अवग्रह है। दशा बदलते ही परिस्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन मुझे चिंता है कि कोई संकट इस महल में कोई संकट है। दरअसल उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। किसी के अकाल मृत्यु की गहरी संभावना है इस महल में। मौत किसकी? मैंने इन्हें कहीं देखा है। किसी पागल खाने में देखा होगा। याद नहीं आ रहा है। गुरुजी, आप भूल गए। याद करिए, अमेरिका पैरासाइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस, आपने भाषण दिया था, एक्सरसिज्म द इंडियन वे। आदित्य, आदित्य श्रीवास्तव। मेले में बिछड़े हुए लगते हैं। अरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बस तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए चौंक गया। अरे बद्रीनारायण, जब ये बेवकूफ तुम्हारे यहाँ हाजिर है, तो तुम लोगों ने अपनी बेटी के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लगता है तुम इसे ठीक तरह से जानते नहीं हो। ये मशहूर साइकाइट्रिस्ट है। इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये दिखने में मस्त मौला है, लेकिन रावण है, रावण 10 दिमाग वाला। दुनिया के जाने माने विख्यात साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर एलिस का दाहिना हाथ है। गुरुजी, पैरासाइकोलॉजी के 2 विख्यात प्रबंधों का लेखक है ये। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करो। यहाँ नहीं, कहीं और। बद्री जी, जरा बाहर दो कुर्सियाँ लगवाइए। हाँ जी, ठीक है। बेटे, मुझे गलत मत समझना, लेकिन पूरे तजुर्बे के साथ और तुम्हारे प्रति जो लगाव है मेरा, उसके साथ मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, ये केस के लिए कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इनक्यूरेबल। गुरुजी, मैं आपके तजुर्बे की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में मेरी भी पढ़ी पढ़ाई किताबें रटा रटाया ज्ञान सब बेमतलब रह गया है। आप तो जानते हैं गुरुजी कि साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विदाउट अ डेफिनेशन। हर दिल अलग, हर सोच अलग, हर ताले की चाबी अलग। मेरे दोस्त के लिए मुझे कुछ ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो शायद दुनिया के किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपनाया ना हो। यू नो, आई हैव टू गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोथेरेपी। कोशिश करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या करोगे? क्या अवनी एक ऐसी लड़की है जो बचपन में दादी माँ से परियों की, भूत प्रेतों की, जादू मंत्र की कहानियाँ सुनते सुनते बड़ी हुई है। उसके दिमाग पर काबू पाने के लिए मुझे आपके तंत्र मंत्र के हथियार लगेंगे। क्या आप भूत बाधा उतारने के लिए मुझे झाड़ फूक वाला माहौल तैयार करके देंगे? ठीक है, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसकी शुरुआत यही खतरनाक मोड़ से होती है। इसके पहले कि
अवनि पूरी तरह से पागल हो जाए, मैं उसे आगाह करना चाहता हूँ कि वो बीमार है। लेकिन वो यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, होशो आवाज़ खो बैठेगी, इसी का डर है ना आपको। लेकिन मैंने तय किया है कि अवनि को मैं नहीं, सिद्धार्थ से पता चलेगा कि वो मानसिक रोगी है, दैट शी इज अ मेंटल पेशेंट। अगर उस पल का हादसा वो बर्दाश्त कर जाएगी तो आशा की थोड़ी उम्मीद है। अब पता नहीं कि ये सही है कर रहा हूँ या गलत, बस मुझे आपके प्रार्थनाओं की ताकत चाहिए, दैट्स ऑल। शुभम।